हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हुंड का नियम, जो कि कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो है हुंड का बहुलता का नियम लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा हुंड का नियम या हुंड का बहुलता का नियम, क्योंकि इन्होंने एक बहुलता का नियम दिया है जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक लाइन लिख देना होगा कि किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण के संबंध में हुंट ने एक बहुलता का नियम दिया है जो कुछ इस प्रकार है। आप लिख सकते हैं कि किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के संबंध में हुंट ने एक उच्चतम बहुलक का नियम दिया है, और इस प्रकार यहाँ पे आप जो है अब हुंड के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार आप इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको ऐसे इन्वर्टेड कामा लगा देना है, क्योंकि अब यहाँ से नियम आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं। जहाँ तक संभव होता है, किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। एक लाइन में आपको याद होना चाहिए कि जहाँ तक संभव होता है, जितना ज़्यादा संभव हो सके, किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, जो उपकोष रहता है उनके विभिन्न कक्षक रहते हैं, जैसे एस पी डी जो उपकोष रहते हैं, इनमें जो कक्षक रहते हैं किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7, तो उन विभिन्न कक्षकों में अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। सबसे पहले तो अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, और जैसे ही अयुग्म इलेक्ट्रॉन पूरे भरा जाएंगे तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म बनाना लगेगा, जोड़ा बनाने लगेगा, और तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं उनका जो चक्रण होता है वो हमेशा समदिश होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। इस प्रकार आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कामा पेक कर देना है, पूर्ण विराम लगा देना है, आपका नियम हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा, इसको समझाना होगा, इस नियम को समझाते हुए लिखना होगा, अर्थात। अर्थात का मतलब होता है आप उस नियम को डिफाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जब तक नहीं बनाता है, जब तक कि प्रत्येक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है, और जिसका चक्रण एक ही दिशा में हो, यानी कि समदिश है। तो उसी लाइन को हमने दोहराते हुए बताया कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जब तक नहीं बनाता है, जब तक कि प्रत्येक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है, और जिसका चक्रण हमेशा एक ही दिशा में हो। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ जोड़ा इस तरह बनाते हैं कि दोनों की दिशा एक दूसरे से वितरित होती है। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जे एक दूसरे से जोड़ा कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि एक दूसरे की जो दिशा होती है वो आपस में विपरीत हो जाती है, मतलब कि अपोजिट हो जाती है। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपको इस प्रकार उदाहरण लिख देना है, दूसरी लाइन पे आप लिख सकते हैं इसे, और उदाहरण देते हुए आपको लिखना होगा 7N14 7N14। इसका जो 7 है परमाणु क्रमांक है, और परमाणु भार इसका जो है 14 है, N यानी कि नाइट्रोजन है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कक्षक उपकोष के रूप में, तो आपको S1² दिखेगा, S2² दिखेगा, और 2sp3 दिखेगा। इस 2 का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो दोनों अपोजिट दिशा में है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों अलग अलग दिशा में या विपरीत दिशा में है। उसके बाद में 2p3 में आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 कक्षक यहाँ पे हैं, और तीनों कक्षक में एक एक और एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी एक ही दिशा में है। तो 2p3 आपका हो जाएगा इस प्रकार। अब एक अणु का सूत्र हम देख लेते हैं, अणु में आपको समझ में आ जाएगा NH3 के अणु में, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है अब 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 था अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस तरह से भराते हैं हुंड के नियम के अनुसार। S1² में ये तो दोनों भरा गए, और ये भी दोनों भरा गए। यदि यहाँ पे 2p3 रहता तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में इस तरह से रहते हैं, और यदि जैसे बढ़ते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे 4 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट दिशा में जाता, फिर यहाँ पे अपोजिट, और फिर यहाँ पे अपोजिट। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है 2p6 में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में अपोजिट दिशा में कुछ इस प्रकार भरे जाएंगे। तो यह होता है हुंड का नियम। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लिख सकते हैं लास्ट में कि हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम का उपयोग उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे अतः लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जब तक के लिए गुड बाय।